हेलो गाइस, मैं हूं विकास और आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से जीमेल से कोई भी फ़ोटो किसी को सेंड कैसे कर सकते हैं, यानी जीमेल आईडी का इस्तेमाल करके आप किसी को कोई फ़ोटो यानी इमेज भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे, आइए जानते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी ओपन कर लेनी है, जैसे कि आपको पता है। तो हम यहाँ पर जाते हैं, जीमेल को ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा जीमेल अकाउंट, तो हमने इसे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इधर की साइड कंपोज ऑप्शन दिखाई देता होगा, तो आपको कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके पास एक डब्बा सा खुल के आ जाएगा कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे आपको डालना है उसका मेल आईडी जिससे आप फ़ोटो भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम डालते हैं अपना ही मेल आईडी, हम डाल देते हैं फिलहाल। यहाँ पर आपको डालना है सब्जेक्ट यानी टॉपिक, तो यहाँ पर हम डालते हैं इमेज। फिर नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको ध्यान देना है नीचे की तरफ। आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन मिल जाएंगे, ए पिन का निशान दिखाई देगा और ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको पिन के निशान पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी कंप्यूटर की, तो आप जो फ़ोटो लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे एक फ़ोटो थी, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और नीचे की तरफ ये वाली फ़ोटो है हमारी वोटर आईडी की, हम इसे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। तो फ़ोटो यहाँ पे हमारी ऐड हो गई है, आप देख सकते हैं ये लिखा है। आप इसे क्रॉस भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, हटाना तो हटा सकते हैं, पर हम भेजेंगे। तो भेजने के लिए आपको सेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारी जो फ़ोटो है वो हमारे दोस्त को सेंड हो गई है, यानी हमें ही सेंड हो गई है। तो ऐसे आप जीमेल आईडी एंटर करके अपनी फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।